हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड दिस इज मी सोडिया01। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो नया दिन नया ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज नया टॉपिक में आप लोगों से बात करने वाला हूं। तो क्या टॉपिक है क्या नहीं है वो बात करने से पहले, मतलब मेरा चैनल पर अभी 4000 सब्सक्राइबर होने वाला है, तो आप लोग जरूर मेरा वीडियो को मतलब जितना हो सके उतना शेयर करने के लिए आप लोग कोशिश कीजिए, और लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर ठोके, और जितना हो सके उतना मतलब जल्दी से जल्दी मतलब 4000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा के 5000 सब्सक्राइबर चाहिए से, और जितना हो सके उतना जल्दी मतलब 10000 सब्सक्राइबर भी आप लोग मतलब मदद कीजिए, और फैमिली भी मेरा दिल जितना बड़ा है फैमिली भी उतना ही बड़ा होना से, और 10K जल्दी से और आप लोगों से मतलब मेरा कुछ अभी जिंदगी में बड़ा होने वाला है। तो अभी हम मतलब ऐसा बोलने से आप लोगों को जस्ट हिंट्स देता हूँ, हम मतलब डायरेक्ट घर से निकल जाएगा अभी 1.5 साल 2 साल के लिए, और 1.5 साल मैक्सिमम तो 1.5 साल जैसा मेरा सिर्फ ट्रेवलिंग ही होगा, और वो भी सिर्फ बाइक में सोलो। तो क्या बोलते हैं कौन सा जगह में है क्या है वो तो अभी नहीं बोलूँगा, वो बात अलग टॉपिक में होगा और उसका तो अलग से ही होगा वीडियो वगैरह। तो हम मतलब बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा लॉन्ग राइड भी होने वाला है, वो भी लगातार 1 साल 1.5 साल तक हम बाइक पे ही मतलब कंटिन्यू करते रहेगा राइड। तो अभी इस टॉपिक पे बाइक मतलब बाइक का बारे में ही हम बात करने वाला। तो क्योंकि अभी जो मेरा बाइक का मॉडल था जो 2022 वाला न्यू जनरेशन, अभी ये तो आरसी का 2 ही जनरेशन निकला हुआ, पीछे वाला जो मतलब जो क्या बोलते हैं मॉन्स्टर टाइप का जो है मतलब बोलने से तो ऐसे ही बोल सकता है, तो वो वाला जो मॉडल है वो तो अभी कम्प्लीट से डिसकंटिन्यू हो गया मार्केट से। तो अभी उसका बाद अभी नया नया अभी जो आया था जो मेरा पास है, और ज़्यादा तो है नहीं पूरा इंडिया में बोलने से, तो ज़्यादा सेल भी नहीं हुआ है, और मतलब जो रेयर है मतलब देखने के लिए भी नहीं मिलता है, एक सिटी में हो गया एक नहीं तो दो ही ऐसे देखने के लिए मिलता है। तो आप लोगों भी मतलब जो जो मेरा व्यूअर्स है नहीं तो जो नया से नया व्यूअर्स लोग आ रहे हैं तो उन लोगों को भी मालूम होगा कि देखने के लिए बहुत रेयर मिलता है जो न्यू KTM RC है। तो उसका बाद अभी सिर्फ 2 साल ही हुआ, 2 साल नहीं 1.5 साल से ही हुआ, इसी साल का लास्ट एंडिंग तक तो नहीं तो नेक्स्ट 2024 का फर्स्ट मंथ में मतलब जनवरी में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा न्यू मॉडल और न्यू जनरेशन का, जनरेशन नंबर 3rd होगा ये, सेकंड जनरेशन चल रहा है अभी, थर्ड वाला जनरेशन होगा, और ऐसा मालूम मतलब निकल रहे हैं और रूमर से भी निकल रहे हैं कि थोड़ा मोड़ा मतलब उसका जो इंजन पावर फिगर है वो भी थोड़ा बढ़ेगा, और जो लिमिटर अभी हीट होता है मेरा तो अभी 147 उसी आसपास ही लिमिटर हीट हो जाता है, तो लिमिटर अटक जाता है, उसका बाद उसका लिमिटर भी बढ़ाएगा और इंजन का कॉम्प्रेसर और जिसका हॉर्स पावर वगैरह टॉर्क वगैरह थोड़ा बढ़ाएगा, ऐसा मतलब सुनने के लिए रूमर से निकल के आया है। तो आप लोगों को मतलब थोड़ा तो वो तो हम वीडियो बनाएगा बोल के सोचा था, एक वीडियो तो बना ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो उसका टोटली फाइनल जो प्रोडक्शन है फाइनल प्रोडक्शन भी निकल के आ रहा है, क्योंकि अभी खिला खुद की उम्र। तो अभी गाइस क्या हो गया, मेरा मुंह अंदर में कुछ बात करते करते कुछ चला गया था, मुंह नहीं तो कुछ छोटा सा कुछ टुकड़ा चला गया था। तो क्या बोलते हैं अभी मतलब जो फाइनल प्रोडक्शन निकल के आ रहा है वो 3 कलर का अवेलेबल होगा, एक होगा अटलांटिक ब्लू ऑरेंज, और एक होगा ब्लैक ऑरेंज, और एक हो गया व्हाइट ऑरेंज, और ब्लू का कॉम्बिनेशन भी होगा लेकिन वो थोड़ा अलग सा होगा। लास्ट फाइनल प्रोडक्शन कैसे निकलेगा और मतलब फुल ग्राफिक्स वगैरह कैसा होगा और टोटली मेरा पास आ चुका है उसका जो रूमर्स है, उसका बाद जो बाइक का मतलब जो हेडलाइट वगैरह है वो भी मतलब क्या बोल सकते हैं पहले वाला जनरेशन से, अभी एक बात कंफर्म नहीं हुआ है कि 2 है या 1 है, लेकिन देखने से फोटो के क्योंकि सामने से नहीं है सिर्फ साइड से है, अभी देखने से ऐसा बोल सकता है एक ही जैसा हेडलाइट है बोल के, वो भी बड़ा वाला प्रोजेक्टर, लेकिन होने से 2 होने से तो ठीक ही है, लेकिन 1 होने से भी ऑलमोस्ट डन, क्योंकि KTM का तो जितना भी और उसका लुक्स है उसका परफॉर्मेंस है और उसका मेनली लुक्स तो कभी ख़राब नहीं बनाता है, और इसे आदमी लोग बोलने से मतलब ख़राब है क्या क्या बोलने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रियल में तो जो है सो है, तो बढ़िया बनाते हैं तो बढ़िया बनाते ही है उसका लुक्स। उसका बाद 3 कलर का अवेलेबल होगा, और जो पहले BS3 का RC आया था उसका थोड़ा नीचे वाला हिस्सा थोड़ा कॉम्बिनेशन होगा, मतलब जैसे होगा अंडरबेली एग्जॉस्ट और अंडरबेली का ऊपर का काउल भी होगा, उसका बाद फेयरिंग थोड़ा अलग सा होगा, और पीछे का जो मतलब पीछे का साइड का टेल सेक्शन है वो तो अभी प्रेजेंट वाला 2nd जनरेशन RC का जैसे ही होगा, और सामने वाला एलॉय व्हील भी थोड़ा साइड होगा, अभी जैसा हो गया डिस्क ब्रेक ब्रेम्बो का जो ब्रेक है वो लेफ्ट साइड में है, अभी राइट साइड में होगा उस बाइक में, और जितना भी उसका मतलब वाइजर वगैरह है वो भी थोड़ा बड़ा करेगा, इंजन भी थोड़ा बड़ा होगा।
अभी फिर से हम जब भी वीडियो बनाते हो कुछ ना कोई ना कोई मतलब डिस्टर्ब देने वाला आदमी होते ही होते हैं, और मेरा मम्मी तो मेन। उसका बाद हम क्या बोल रहे थे, वो टॉपिक को आप लोग साइड में सुनिएगा। और अभी न्यू वाला जो जनरेशन है अभी आप लोगों को दिखा दूंगा, आप लोग देखिए। मतलब तो गैस आप लोगों को दिखा दिया तो कैसा था कैसा नहीं है बोल के उसका फोटो। अभी जो न्यू थर्ड जनरेशन आरसी आने वाला है तो बहुत मोस्ट बढ़िया है, दिखने के लिए भी बढ़िया है। मेरे को तो पर्सनली बहुत बढ़िया लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है, वो कैसा लगा है, कैसा नहीं लगा है, वो तो आप लोगों को मतलब खुद जज कर सकता है। और कमेंट भी मतलब नीचे में कमेंट भी थोकी है और कैसा है कैसा नहीं है बोल के। तो अभी हम वीडियो बना रहे हो तो अकेला वीडियो बना रहे हो, और इधर में मेरा मदद कर रहा है ये, नाम क्या है बोल दो, ये भाग रहा है, देखो देखो भाग रहा है। आप लोगों को बोल देता हूँ जो ये बाइक का अभी लुक्स है, तो ये नहा धुला के हम यहाँ इधर में रखा हुआ है। तो गाइस फाइनल जो प्रोडक्शन आ गया अभी थर्ड जनरेशन का, इधर से लेके ये साइड से लेके और पीछे का हिस्सा तक सेम ही रहेगा, लेकिन इधर से लेके इधर तक वो टंकी भी सेम ही रहेगा, ये थोड़ा काउल भी सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ का जो भाइजार वगैरह है, हेडलाइट है, वो सब चेंज होगा। और उसका बाद वो जो डिस्क ब्रेक आप लोगों को दिखाई दे रहा है, डिस्क ब्रेक इस साइड में होगा, अभी लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में होगा डिस्क ब्रेक। उसका बाद जो ये है अंडरबेली एग्जॉस्ट, ये ड्यूक का से मतलब इधर में पूरा खाली करा दिया। भाइजार बाइक तो है लेकिन इधर से लेके ये जगह पूरा ट्रायंगल का जैसा ये खाली है। तो अभी का जनरेशन में जो थर्ड जनरेशन आएगा पूरा मतलब भर्ती है। अभी फिर से अंदर में बॉक्स वगैरह चालू कर रहे, तो ये सब देखिए, तो ऐसा ही होने वाला है। तो गाइस ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल पे हमेशा बने रहना, ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मतलब मेरा चैनल पे हमेशा बने रहना, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर ठोके। तो फर्स्ट में ही बोल दिया, और फिर मजेदार वीडियो और मजेदार ब्लॉग के साथ फिर आप लोगों से कल मिलता हूँ। तो बाय बाय गाइस।